सहारनपुर नगर विधानसभा सीट की, जहां पर 2017 की मोदी लहर के बावजूद सपा ने जीत दर्ज की थी और सपा ने मौजूदा विधायक संजय गर्ग पर फिर से भरोसा जताया है। वहीं एक ओर सपा विधायक संजय गर्ग फिर से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा उम्मीदवार राजीव गुंबर का दावा है कि इस बार सहारनपुर नगर की जनता बीजेपी पर भरोसा करेगी। सहारनपुर में दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदान होगा, जहां की नगर विधानसभा सीट से मौजूदा सपा विधायक संजय गर्ग पूरे दम के साथ प्रचार में जुटे हुए हैं और इनका दावा है कि 2022 के रण में भी जनता का साथ इन्हें ही मिलेगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन के प्रत्याशी संजय गर्ग जी हैं, जो वर्तमान में सहारनपुर नगर से विधायक भी हैं। आपको बता दें, सहारनपुर जिले की इकलौती सीट है सहारनपुर नगर, जहां से समाजवादी पार्टी का विधायक 2017 में जीता था। ये जीत बरकरार रहे 2022 में, इसके लिए संजय गर्ग जी कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, पिछली बार बीजेपी का तूफान था, तब लोगों के यहाँ की मोहब्बतों ने हमें यहाँ से जिताकर भेजने का काम किया था। आज बीजेपी का तूफान नहीं है, बीजेपी अफसान की तरफ है और जो वोट मुझे पिछली बार मिला था उसमें कई वोट ऐसे हैं जो किसान आंदोलन की वजह से, बढ़ती महंगाई की वजह से, बढ़ती बेरोजगारी की वजह से, निजी कारण के कारण, सरकारी नौकरियों को हुए दरवाजे बंद होने के कारण, आरक्षण के वो के हितैषी जिन्हें संविधान आरक्षण की सुविधा दे रहा था, वो तमाम तर लोग आज समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को वोट देने के लिए जा रहे हैं। सपा विधायक संजय गर्ग दावा कर रहे हैं कि भाजपा सिर्फ गरीबों की मदद का दिखावा कर रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। कह रहे हैं कि किसान आज आपके साथ हैं, उनसे नाराज हैं। तीनों कृषि कानून प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिया, किसानों की नाराजगी दूर हो गई। वो तो कह रहे हैं कि विपक्ष के हाथ से तो ये तो मुद्दा ही निकल गया। उनके कहने से क्या होता है, 750 किसान शहीद हुए हैं, उनके गृह राज्य मंत्री जो उनके साथ बैठा है उसने अपनी जीप चढ़ाकर उसके बेटे ने 4 किसानों को शहीद कर दिया और न जाने कितने किसान उसमें आहत हुए, और रमन कश्यप जो पत्रकार जिसने वीडियो बना लिया था उसे भी गोली से मारने का काम उन्होंने किया। लोगों के मनों में है ये जैसे पत्थर पे इबारत लिखी जाती है, लोगों के दिलों में लिखी हुई है। ये बता देंगे, इन्हें सबक सिखाएंगे। और जब इन्होंने कानून वापिस लिए, वायदा किया था 1 महीने में MSP की गारंटी का, क्यों नहीं बनाया? ये पूरी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को अडानी की थैली में झोली में डालना चाहते हैं, तो किसान सबक सिखाएगा? उन्हें कहने तो, उनके कहने से क्या होता है, वो तो पता नहीं क्या कह रहे हैं। वो तो दया का पात्र बनाना चाहते हैं, सड़ा हुआ अनाज राशन की दुकान पे देकर। लोग दया का पात्र नहीं, अपने पुरुषार्थ के आधार पर अपने परिवार का पालन करना चाहते हैं। क्यों नहीं दे रहे रोजगार? वहीं सहारनपुर नगर विधानसभा सीट से भाजपा ने राजीव गुंबर को मैदान में उतारा, जो इस बार भाजपा की बड़ी जीत का दावा कर रहे। एबीपी गंगा के खास कार्यक्रम लखनऊ चलो में आज हम पहुंचे हैं सहारनपुर, और सहारनपुर नगर सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं राजीव गुंबर जी, और इस वक्त राजीव गुंबर जी हमारे साथ मौजूद हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनता से समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन जनता आपको लखनऊ क्यों भेजे? मैं सहारनपुर के विकास के लिए जनता मुझे लखनऊ भेजेगी। सहारनपुर का जो विकास पिछले विधायक के कार्यकाल में रुक गया था उसे पूरा करने के लिए आज जनता मुझे लखनऊ भेजेगी। अगर बात की जाए तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं, और जीतने के बाद सबसे पहले कौन से मुद्दे होंगे जिन्हें पूरा करेंगे? सहारनपुर में पिछले 5 साल के अंदर विकास बहुत हुआ है। योगी जी की सरकार ने सहारनपुर को माननीय माँ शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय दिया, सहारनपुर को 4-4 हाईवे दिए हैं और हाईवे के निर्माण से सहारनपुर का विकास बहुत बड़ा है, 24 घंटे बिजली दिया है। लेकिन अभी भी कुछ प्रमुख मुद्दे बाकी हैं। सहारनपुर में बस अड्डे का निर्माण, शहर से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा करवाना है हमें, अंतर्राज्यीय बस अड्डा, और सहारनपुर में मेडिकल फैसिलिटीज की अभी कमी है, मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं बनाकर एम्स जैसी सुविधाएं बनवानी है। राजीव गुंबर का दावा है कि सहारनपुर नगर सीट के मतदाता सीएम योगी के काम पर अपना वोट देंगे और इस बार सहारनपुर नगर सीट पर कमल जरूर खिलेगा। राजीव जी, सहारनपुर कहा जाता है कि राजनीति का प्रवेश द्वार है, यहीं से
सत्ता का रास्ता चलता है तो उस सत्ता तक पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह से जमीन तैयार यहां पर की गई है और खास तौर से जो गंगा जमुनी तहजीब है वो बरकरार रहे उसके लिए किस तरह का काम कर रहे हैं। आज योगी जी और मोदी जी की सरकार ने सबका साथ सबका विकास का नारा और सबका सम्मान नारा करते हुए जहां सम्मान की दृष्टि से सबको सुरक्षा चक्र देने का काम किया चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ऐसे ही विकास की राह पर चलते हुए या नए नए हाईवे का निर्माण कराकर और अन्य सुविधाएं देकर इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। सहारनपुर गंगा जमुनी तहजीब के केंद्र है और हमने भी सभी वर्गों का सम्मान करके सभी जातियों को साथ लेकर चलने का काम किया है, इसलिए इस काम को आगे बढ़ाते हुए आज योगी जी की सरकार के प्रति लोगों में एक जज्बा है। सहारनपुर नगर विधानसभा सीट पर जीत को लेकर भाजपा और सपा उम्मीदवारों के अपने अपने दावे हैं। हालांकि इनमें से जनता किसे लखनऊ भेजती है इसका पता तो 10 मार्च को नतीजे आने के बाद ही चल पाएगा। सहारनपुर शहर से बलराम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।